बात करेंगे कब बनेगी बदहाल सड़क। विकास भवन रुद्रप्रयाग के अलावा जिला कार्यालयों को जोड़ने वाला खुरड़ विकास भवन कलेक्ट्रेट मोटर मार्ग बदहाल स्थिति से गुजर रहा है। मोटर मार्ग जगह जगह क्षतिग्रस्त होने से ऊपर खाबल हो गया है, जबकि मोटर मार्ग पर जगह जगह डामर भी उखड़ चुका है। देखिए इस रिपोर्ट में। रुद्रप्रयाग में कब बनेगी बदहाल सड़क? विकास भवन की सड़क का विकास कब? सड़क से रोज गुजरते हैं डीएम। मोटर मार्ग के जगह जगह उखड़ा है डामर। विकास भवन रुद्रप्रयाग के अलावा जिला कार्यालय को जोड़ने वाला खुरण विकास भवन कलेक्ट्रेट मोटर मार्ग बदहाल स्थिति से गुजर रहा है। सड़क पर इतने गड्ढे हैं कि गड्ढों में सड़क है पता ही नहीं लगता, जबकि रोजाना डीएम समेत कई अधिकारी यहां से गुजरते हैं। मोटर मार्ग जगह जगह क्षतिग्रस्त होने से उबड़ खाबड़ हो गया है, जबकि मोटर मार्ग पर जगह जगह डामर भी उखड़ चुका है। आए दिन जिलाधिकारी सहित तमाम अन्य विभागीय अधिकारी मोटर मार्ग से आवाजाही करते हैं, लेकिन मोटर मार्ग की सुध लेने वाला कोई नहीं। ऐसे में स्थिति का अंदाजा लगाया जा सकता है कि जब विकास भवन और कलेक्ट्रेट को जोड़ने वाली सड़क ही बदहाल स्थिति से गुजर रही है, तो ग्रामीण क्षेत्रों को जोड़ने वाले लिंक मोटर मार्ग की स्थिति क्या होगी। दरअसल रुद्रप्रयाग विकास भवन को जोड़ने वाला मोटर मार्ग जर्जर हालत में है। स्थिति यह है कि मोटर मार्ग कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। स्थिति यह है कि मोटर मार्ग पर कभी भी कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है। मोटर मार्ग का डामर पूरी तरह से उखड़ चुका है। मानसून सीजन में मोटर मार्ग पर बड़े बड़े गड्ढे पड़ गए हैं। इन गड्ढों पर सफर करना किसी खतरे से खाली नहीं है। मोटर मार्ग की यह स्थिति इन दिनों ही नहीं हुई, बल्कि पिछले एक दो वर्षों से है। जिलाधिकारी और मुख्य विकास अधिकारी से लेकर अन्य अधिकारी मोटर मार्ग से आवाजाही करते हैं, लेकिन मोटर मार्ग की सुध लेने वाला कोई नहीं है। रुद्रप्रयाग जिला कार्यालय और विकास भवन मुख्य बाजार से लगभग 4 किलोमीटर दूर बसा है। यहां पहुंचने वाली आम जनता को भी भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। विकास भवन जाने के लिए वाहन नहीं मिल पाते हैं, जिस कारण जनता को कई बार पैदल ही सफर तय करना पड़ता है या फिर महंगे दामों पर वाहन को बुकिंग में ले जाना पड़ता है। वैसे भी विकास भवन दूर है और बदहाल मोटर मार्ग ने आम जनता की परेशानियों को और भी बढ़ा दिया है। भवन की सड़क है जहाँ की जिले के तमाम जो अधिकारी हैं इनके काले हैं, लेकिन आप देख सकते हैं जैसे कि इसी सड़क के पूरे हाल खराब हैं, तो जनपद की अलग बाकी सड़कों के क्या हाल होंगे वो सोच भी नहीं सकते थे। फ्रंट पे बोल ही रहा था कि ये जिस जिले की जो है पूरे विकास की समझ विकास भवन चल रही है वहीं का जो है रोड सही, तो आम जिले के क्या हाल होंगे। पूरे गड्ढे हो रखे हैं, कोई सुनने वाला कोई देखने वाला, इसमें जिलाधिकारी जाते हैं, जज साहब जाते हैं, सीडीओ जाता है, क्या क्या कहेंगे। मामला जो है विशेष रूप से सरकार को ये मामला अपने संज्ञान में लेना चाहिए। विकास भवन जब पूरे जिले का अस्थायी विकास भवन है, ये यहाँ की स्थिति को देखते हुए हम डेली ये इस रोड से गुजरते हैं, पर ये रोड देखेंगे आधा किलोमीटर की रोड इतनी खराब डेंजर हो रखी है, हमारी गाड़ी मतलब नीचे लग जाती है गाड़ी, तो ये अभी प्रशासन ये रोड नहीं बना पा रहे हैं। इस संबंध में मुख्य विकास अधिकारी मनविंदर कौर का कहना है कि मोटर मार्ग के सुधारीकरण के लिए प्रस्ताव जिला योजना में रखा गया है। इसी महीने मोटर मार्ग को दुरुस्त कर डामरीकरण किया जाएगा। विकास भवन की जो सड़क है ये क्षतिग्रस्त हो रखी है, इसको ठीक कराने के लिए हम लोगों ने जिला योजना में प्रस्तावित किया है और ये इस माह के अंदर अंदर ये रोड ठीक हो जाएगी। कितना लंबाई? 5 लाख की धनराशि स्वीकृत कराई है। अब देखने वाली बात होगी कि आखिर कब ये रोड सही होती है। रुद्रप्रयाग से के न्यूज के लिए रोहित डिमरी की रिपोर्ट। और अब